पॉइंट नंबर 13, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कोर्स वाला आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये एक बहुत एडिक्टिव सिस्टम है। इस पर बहुत ज़्यादा इंसान एडिक्ट हो जाता है कि आज जीतूंगा, कल से जीतूंगा, अगले 15 दिन से जीतूंगा, अगले महीने से जीतूंगा, तो ये सब आपको ट्रैप में फंसाए रखता है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो आपके 3 साल या 5 साल बचा सकते, इसको आसान मत समझना, ये मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि मैंने जो 21 पॉइंट बताए हैं आपको, उसको अगर आपने एक दो को भी मिस किया तो आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। इस चैनल पर ये पूरी सीरीज चल रही है कि हाउ टू गेट रिच बाय किसी भी चीज़ से हम अमीर कैसे बन सकते हैं, कौन सी चीज़ें जो हमें अमीर बना सकती है और किस तरीके से बना सकती है, इसके पॉइंट्स में इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ। तो अगर ये आपके काम का नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए जो कि आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट है, आपको जो पसंद है वो देखिए या फिर आप सब देखिए। तो ये वीडियो शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को तुरंत राकेश झुनझुनवाला मत समझने लग जाए। और शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बारे में लाखों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, और आप लोगों ने भी काफी वीडियोस देखे होंगे कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, हजारों वीडियोस देख ले होंगे आपने। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस वीडियो में ऐसे टॉपिक कवर करूंगा कि जो आपको उन वीडियोस में, उन सारे वीडियोस में आधे से ज्यादा टॉपिक्स नहीं मिले होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और शांति से बैठ के देखिए। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ी देर बाद देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, लेकिन जब भी आप देखेंगे तब इसको कट मत कीजिए, अभी फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी फास्ट करके दिया हुआ है, तो कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको आराम से बैठ के आप इस वीडियो को देखो और फिर आपको समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगा और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, नहीं तो फिर 100 साल हो जाएंगे, आप वीडियो ही देखते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। और इस कोर्स के लास्ट में मैं मेरी स्ट्रैटेजी, जो इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है, वो शेयर करूंगा आपसे। तो इसकी लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि वो मेरे लिए काम कर रही है तो आपके लिए काम करेंगी या नहीं, ऐसा ही होता है। हर एक स्ट्रैटेजी हर एक के लिए काम नहीं करती। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वैसी की वैसी आपके लिए काम करे, हो सकता है कुछ चेंज करके काम करे या फिर आप कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी से भी काम कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टिंग के बारे में स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, मेरा कोई कोर्स नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनका कोई कोर्स नहीं है, तो मेरा कोई कोर्स नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जो भी जानता हूँ सब आपको फ्री में बता दूंगा। तो बस कुछ ही देर में आने वाले 20 पॉइंट में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि आपने कोर्स लेके भी आपको नहीं बताई होंगी। उन्होंने कोर्स तो आपने लिया होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई कोर्स लिया होगा या फिर वीडियोस तो देखे होंगे, लेकिन इतने पैसे देने के बाद भी आपको ये कोर्स में, इसमें मैं जो 20 पॉइंट बता रहा हूँ, कम से कम 10 पॉइंट ऐसे होंगे जो उन्होंने आपको बताए ही नहीं। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत में अभी सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, कोर्स स्कैम इंडिया। तो जो भी आपको कोर्स सेलर्स मिलते हैं वो क्या करते हैं, अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उनका प्रोफाइल बनाते हैं, फिर मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने ये बंगला खरीदा, तो इस तरीके से, या फिर आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे और आपको बोलेंगे मेरा कोर्स लो। तो ये स्कैम जो है वो चल रहा है, और हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो कोर्स लिया भी होगा लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसके पीछे काफी रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि 99.99% लोग जो है, जो कोर्स सेल करते हैं, वो उसमें तुम्हें लाइव ट्रेडिंग नहीं दिखाएंगे कि भाई मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ, ये महीना भर मैंने ट्रेड किया और फिर उसके बाद इतना प्रॉफिट हुआ, फिर अगले महीने मैंने ऐसा किया, तो ये नहीं दिखाएंगे आपको। आपको एक हाथ ट्रेड दिखा देंगे और फिर आपको सिर्फ थियोरेटिकल सिखाएंगे, तो इस वजह से वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब वो लाइव अकाउंट उनका कैसे ग्रो हो रहा है ये नहीं दिखाते। तो मान लीजिए कोई ट्रेडर एक्स है, तो अगर वो ट्रेडिंग जीत रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम है अपना अकाउंट स्टेटमेंट शेयर करने में, ये मैंने एक साल में, ये इतने महीने में इतना इतना कमाया, तो ये क्या, एक हाथ दो साल का तो वो शेयर कर ही सकता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए उस कोर्स के अलावा कुछ नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर वो जीतता है तो फिर उसको अकाउंट दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो जीतते ही नहीं है ज्यादातर लोग। तो 99.99% जो है वो आपको इस तरीके से कोर्स बेचेंगे जिसमें कोई भी लाइव नहीं दिखाएंगे, कोई लाइव ट्रेड्स नहीं दिखाएंगे, उनका अकाउंट ट्रैकिंग नहीं दिखाएंगे। उनके पास इनकम करने के लिए सिर्फ दो ही चीज है, एक तो जो वीडियोज आप देख रहे हैं वो, और दूसरा जो कोर्स आप खरीद रहे हो। तो ये था पॉइंट नंबर 1, आप कोर्स स्कैम का शिकार होने से बचे रहिए। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग में कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो स्कैल्पिंग में कैसा आता है, कुछ मिनटों में या फिर एक आधे घंटे में वो ट्रेड कट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। तुरंत तुरंत वो ट्रेड लेते हैं और कुछ मिनटों में कट कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। इंट्राडे मतलब इंट्राडे में भी कुछ मिनटों में भी ट्रेड कट हो सकती है, लेकिन इंट्राडे में हम अपनी पोजीशन जो है मार्केट खत्म होने तक, बंद होने तक हम होल्ड कर सकते हैं। और स्विंग में कैसा रहता है, 8 दिन 15 दिन, ऐसा 15 से 20 दिन में स्विंग ट्रेडिंग होता है। और इन्वेस्टिंग में 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के लिए भी कुछ लोग करते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से उसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप्स मेन होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लोग करते हैं अलग अलग। तो ये 4 टाइप्स मेन होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा रिस्की होता है स्कैल्पिंग और इंट्राडे में।
तो लेकिन एक बात याद रखना, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा। तो इस फील्ड में ऐसा ही होता है, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, इतना ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताओ तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप एक दिन में अकाउंट डबल तक कर सकते हैं, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कुछ घंटों तक आपकी ट्रेड चलती है तो आप 5 से 10% एक दिन में गेन कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में उससे भी थोड़ा कम अर्निंग होता है, और इन्वेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा कम अर्निंग होता है। यानी कि अकाउंट परसेंट से माने तो गेन आपका कम होगा इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा। यानी कि ठीक से समझ लो, स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा रिस्क तो बहुत ज्यादा पैसा, इंट्राडे में ज्यादा रिस्क तो ज्यादा पैसा, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा कम रिस्क तो थोड़ा कम पैसा, इन्वेस्टिंग में और थोड़ा कम रिस्क और थोड़ा कम पैसा। तो इस तरीके से ये काम करता है। पॉइंट नंबर 3, इंट्राडे ट्रेडिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि कुछ वेब सीरीज रिलीज हुई, फिर उसके बाद पैंडेमिक आया, तो लोगों को ऐसा लगा कि स्टॉक मार्केट से घर बैठे हम पैसे कमा सकते हैं, और इसी चक्कर में कई लोग अपने पैसे हार चुके हैं और बड़े बड़े लॉस लेकर बैठे हुए हैं। तो एक बात जरूर याद रखना, बड़ी बड़ी स्टडीज कहती है कि सिर्फ 5% लोग ही स्टॉक मार्केट से इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं, और ये उनके आंकड़े हैं जो उन्होंने स्टडीज की। मुझे ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सिर्फ 2% लोग ही यहाँ पे इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जीत पाते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, 100 में से सिर्फ 2 ही लोग जीतते हैं, और जितने भी यूट्यूब पे कोर्स बेचने वाले लोग हैं तो वो क्या, वो सब वो 2% है? नहीं, उनमें से 2% ही लोग जीतते हैं। यानी कि अभी आप जितने 1000 चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे कि मैं भी कोर्स बेच रहा हूँ, वो भी कोर्स बेच रहा है, वो भी कोर्स बेच रहा है, वो भी यूट्यूब पे आपको ज्ञान दे रहा है, वो भी ज्ञान दे रहा है, तो उनमें से भी 2 ही% लोग जीतते हैं। क्योंकि सभी लोग जीतने वाले यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बनाते। तो ये ज्यादातर, मैं यहाँ उल्टा आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज हारने वाले होंगे यूट्यूब पे आने वाले, क्योंकि एक इंसान अगर ट्रेडिंग से अच्छा खासा इनकम कर रहा है तो यूट्यूब पे क्यों आएगा, वो नहीं आएगा यूट्यूब पे। या फिर कुछ लोग हॉबी के लिए या फिर इंटरेस्ट के लिए या फिर कुछ लोग पॉपुलर होना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो मान लेते हैं 2% इनमें से भी, तो अगर आपने 100 चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो 2 ही उनमें से जीतते हैं ट्रेडिंग। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद को अगर इसको गेन करना है तो आपको 1 से 2 साल लगेंगे। आप फिर थोड़ा देख के समझ जाएंगे कि ये जीतता है और ये हारता है लगभग। तो इसमें आपको एक्सपर्ट होने में 1 से 2 साल लग सकते हैं कि कौन सा ट्रेडर जीत रहा है, कौन सा वीडियो बनाने वाला, कोर्स सेल करने वाला जीत रहा है और कौन हार रहा है। पॉइंट नंबर 4, नो नीड टू बाय कोर्स। आपको कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप रिसर्च करके ले लीजिए। अगर कोई स्टेटमेंट उसका दिखाता होगा 1 साल का 2 साल का और प्रॉफिट में दिखाता होगा तो आप उससे कोर्स ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड तो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो कि कोई सिखा नहीं सकता। हर एक ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी यूनिक होता है। मतलब कि आपने अगर देख भी लिया किसी को ट्रेडिंग करते हुए तो भी आपका जीतना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो दिमाग में क्या सोच रहा है और किस टाइम पे क्या डिसीजन ले लेगा ये आप कॉपी नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग अगर आपको करना है और स्टॉक मार्केट में आपको टिके रहना है तो आपको पानी की तरह रहना पड़ेगा। अगर कप में डाल दिया तो कप के साइज का होना पड़ेगा, अगर ग्लास में डाल दिया तो ग्लास के साइज का होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग आप किसी का कॉपी करके नहीं जीत सकते, इसलिए मैं कोर्स रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। जो भी यूट्यूब पे फ्री इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसका इस्तेमाल करो, और आप शुरुआत में तो सभी वीडियो देखेंगे क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं कि कौन सा वीडियो अच्छा है और कौन सा आपने देखना चाहिए। तो आप शुरुआत में सभी देखिए, ये पहले 6 महीने तो आपको सभी देखना ही है, और वहीं पे आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि कौन सा वीडियो इंपॉर्टेंट है, कौन अच्छे वीडियोज अपलोड कर रहा है। तो उस तरीके से आप वहां पे आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोर्स में वही बताएंगे जो यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है, या फिर ज्यादातर मैं इस वीडियो में आपको जो फ्री में बता रहा हूँ बस वही होता है कोर्स में। पॉइंट नंबर 5, दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं बनी जो आपको, आपने अगर वो पढ़ ली तो आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं या फिर ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो आपको कई कोर्स सेलर्स जो है वो किताबें पढ़ने के लिए कहेंगे, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, तुम्हें ये पढ़नी चाहिए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो किताब पढ़ने में आपको 10 दिन लगेंगे वो आप 10 मिनट का वीडियो देख के सब समझ जाएंगे यूट्यूब पर। तो उससे अच्छा कि आप वीडियो देखो, कंटेंट देखो उस बारे में, ना कि किताब पढ़ने में आपका ज्यादातर टाइम वेस्ट करो। मैं कहता हूँ ज्यादा टाइम आप चार्ट देखने में वेस्ट करो, चार्ट देखने में इन्वेस्ट करो आपका टाइम, ना कि बुक्स पढ़ने में वेस्ट करो। तो ये बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन वही बात अगर हम वीडियो में देखते हैं तो हमें ज्यादा याद भी रहता है, और 10-15 मिनट में आप, हम भले ही उस वीडियो को 5 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं अगर उस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी है। तो बुक पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता हूँ। तो आप फोकस कीजिए वीडियोस पे जो यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है, या फिर आप अगर अफोर्ड करते ही किसी कोर्स को, कोई बंदा जो स्टेटमेंट दिखाने को तैयार है 1 साल का, तो उसका कोर्स ले लीजिए और वहां से आप सीखिए, इससे आपका टाइम बचेगा। स्टॉक मार्केट जो है ना वो यू वर्सेस यू गेम है, मतलब कि यहाँ पे गिरना भी आपको है, संभलना भी आपको है, और रूल्स बनाने भी आपको ही है, और उनको फॉलो करना भी आपको ही है, और उनको बदलना भी आपको ही है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पाथ नहीं है जिसके आप चल के चले जाओगे और जीत जाओगे, ऐसा कोई कंफर्म पाथ नहीं है। जैसे कि हमारा एक पाथ होता है ना कि हम इस रास्ते से गए तो दिल्ली पहुंचेंगे, इस रास्ते से गए तो बॉम्बे ही पहुंचेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है।
आपके हिसाब से, आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे नियम बनाने पड़ते हैं और उस पर चलना पड़ता है, या फिर कभी कभी उन्हें तोड़ना भी पड़ता है और चेंज करना भी पड़ता है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे तुरंत आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बता सकता हूँ कि ऐसे करके आप जीत जाएंगे, ऐसे करके आप जीत जाएंगे, लेकिन उसमें कोई फायदा आपका नहीं होने वाला। आप आज जीत जाओगे, कल वो पैसे फिर से वापस दे दोगे, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आप इन 20 पॉइंट पे टोटल फोकस कीजिए। ये 20 पॉइंट अगर आप फॉलो कर रहे हैं ठीक से, तभी कोई भी स्ट्रैटेजी में आप काम करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग कीजिए, कि रूल्स बनाने में आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ। जैसे कि ये जो 20 पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इनमें से आप कुछ 5-10 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो यूट्यूब पर लाखों की तादाद में पड़ी हुई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई नहीं बताता है। इसीलिए मैं ये पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, ना कि आपको स्ट्रैटेजी बताओ डायरेक्टली। स्ट्रैटेजी तो बताऊंगा मैं इस वीडियो के एंड में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन अगर करना रहे तो मैं ऐसे करूंगा कि अगर हमें कार चलानी है तो रोड अगर अच्छा होगा तो हम उसे अच्छी तरह से चला पाएंगे, बहुत बढ़िया से चला पाएंगे। लेकिन अगर रोड खराब, रोड पे हमें वही कार चलानी है तो कार तो चलेगी, लेकिन कैसे चलेगी? गड्ढे में अटक जाएंगी, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आगे आएंगे खराब रास्तों वाले, वो वैसे ही आपको ट्रेडिंग में भी आएंगे। फिर आप स्ट्रैटेजी तो ठीक काम कर रही होगी, लेकिन आप कुछ गलती कर रहे होंगे, अपनी गलती, आपकी तरफ से गलती हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट में गलती हो सकती है। तो कार से पहले आपका सही रोड होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, स्ट्रैटेजीज। दुनिया में कई तरह के मार्केट है, सिंथेटिक, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, तो इस तरीके से कई मार्केट है, और उन पे ट्रेड करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाती है यूट्यूब पे, कोर्स में, या फिर आप गूगल पे ही देखते हैं तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे पैटर्न आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक अच्छे ट्रेडर के लिए इतने सारे स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर की स्ट्रैटेजीज होती है ज्यादा से ज्यादा 3, 1, 2 या फिर 3, एक भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको 1-2 स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करना है ना। और आपको जो बता रहा है ना रोज एक नई स्ट्रैटेजी आके, कि हाँ इस स्ट्रैटेजी से ये करो, उस स्ट्रैटेजी से, हर रोज मतलब हर हफ्ते उसकी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, तो वो ट्रेडर नहीं, वो सिर्फ एक यूट्यूबर है, वो वीडियो बना के पैसे कमा रहा है। तो आप उसको आपकी लिस्ट से अभी हटा दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो फोकस नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये स्ट्रैटेजी की वजह से हार रहा हूँ, अब मैं दूसरी ट्राई करता हूँ, फिर तीसरी ट्राई करता हूँ। ऐसा नहीं होता है, आपको एक स्ट्रैटेजी को मास्टर होने में टाइम लगता है, आपको कई सैकड़ों ट्रेड्स उस पर लेनी पड़ती है, तब आपको पता चलता है कि वो काम कर रही है या फिर नहीं। तो आपको वन बाय वन वो टेस्ट करनी चाहिए, और जिसमें भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया आपको उस पर ही फोकस करना चाहिए। मतलब कि समझ लीजिए, कोई स्ट्रैटेजी पे हमने 100 ट्रेड ली, तो हमने अगर उसमें से 30 जीत ली, तो हम उस पर फोकस करके उसको 40-50 तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ना कि रोज आपको स्ट्रैटेजी बदलना। पॉइंट नंबर 7, लगभग 40 से 50% लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 1 महीने में या 6 महीने में ट्रेडिंग से पैसे कमाने लग जाऊंगा या स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने लग जाऊंगा। तो ये बिल्कुल झूठ है, आपकी टोटल इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी 2% है। तो आप सोचिए, उसमें भी आप अगर बोलते हैं कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जीत जाऊंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम होगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब कोई ट्रेडर जीतता है सच में, और आप उसके साइड में बैठकर उसकी ट्रेड देख रहे हो, फिर आप भी ट्रेड कर रहे हो, और वो आपको बता रहा है कि इस तरीके से करना है साइड में बैठकर, ना कि ऑनलाइन। तो तब ये पॉसिबल है कि आप 1-2 महीने में अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाओ उसकी तरह ही ट्रेडिंग करके। तो मैंने कई बार कई जगह पे ऐसा देखा है कि अगर भाई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका भाई भी ट्रेडिंग कर लेता है। मतलब कि ये बिल्कुल भी एक अटैचमेंट की तरह वो सीख सकता है अटैचमेंट से, क्योंकि वो तुरंत उसको लाइव ट्रेड दिखा सकता है, लाइव उसके इमोशंस बता सकता है। तो ये तब तो पॉसिबल है, और ये सभी जो कोर्स सेलर्स है आपको ऐसे अलाउ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रियलिटी आप अब जानते हो। पॉइंट नंबर 8, तो अब इसमें भी कुछ लोग स्मार्ट प्ले करने लगे हैं। वो क्या करते हैं, दो अकाउंट पे, अलग अलग अकाउंट पे 2 ट्रेड्स लेते हैं, एक बाय के लिए एक सेल के लिए, और फिर जो अकाउंट में जीत गए उसका वीडियो आपको दिखा देते हैं कि देखिए मैंने इस तरीके से एनालिसिस किया था और अब ये ट्रेड में जीत गया हूँ, जबकि दूसरे अकाउंट पे उसका अच्छी बुरी तरह से लॉस हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो किसी ने आपको एक ट्रेड जीत के दिखा दी तो सिर्फ लक है, एक क्या उसने अगर 5 ट्रेड 10 ट्रेड भी आपको दिखा दी तो भी वो कुछ काम की नहीं है। हमें चाहिए 100 से 150 ट्रेड 365 दिनों में, या फिर 100 ट्रेड कम से कम होनी चाहिए, और फिर अमाउंट जो है उसका गेन 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। मतलब कि ज्यादा ट्रेड्स और ज्यादा विनिंग होनी चाहिए, तो तब हम मान सकते हैं कि ये ट्रेडर जीतता है। क्योंकि अगर मैं इस महीने में एक ट्रेड लेता हूँ, मान लो मैंने 25,000 की, मैंने कोर्स बेचा 50,000 का, फिर मुझे 50,000 रुपये मिले, अब मैंने 25-25,000 की 2 ट्रेड्स ले ली और मैं दोनों जीत गया, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि मैं 25-25,000 की 2 ट्रेड जीत गया, इस महीने में प्रॉफिट में हूँ। लेकिन वो प्योर लक है, क्योंकि मैंने 2 ही ट्रेड ली और एक्सीडेंटली मैं वो 2 जीत गया। अगले महीने क्या होने वाला है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो इस तरीके से आप सोच के अगर कोर्स लेना है तो एक स्मार्ट बंदे से आप कोर्स लीजिए, और जो 1 साल 2 साल का स्टेटमेंट दिखाने को रेडी हो उसका आप कोर्स लीजिए। तो मतलब उसने एक ही अकाउंट से ज्यादा ट्रेड्स लेनी चाहिए, और 10 लाख 15 लाख ऐसी इनकम उसकी होनी चाहिए, तभी वो कोर्स सेल करने के लायक है ऐसा हम मानेंगे, और उससे हम सीख सकते हैं, उससे हम पैसे दे सकते हैं। कुछ लोग तो ब्रेक इवन में होते हैं और बताते हैं कि अब मैं ब्रेक इवन में आया हूँ, अभी 2-3 साल 2 साल बाद या 2-2.5 साल बाद कुछ लोग ब्रेक इवन में आ जाते हैं, कुछ लोग 1.5 साल में भी आ जाते हैं, वो तभी से कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। अरे भाई तुम प्रॉफिट में जाओ तो पहले, तो वो बताते भी है कि मैं ब्रेक इवन में हूँ और अभी मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा, और फिर भी कोर्स बेच रहे और लोग खरीद भी रहे।
तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारे देश के लोग जो है वो बहुत सादे है, तो इसलिए वो पहचान नहीं पाते कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा कोर्स खरीद रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 8 में मैंने आपको बता दिया कि रियल विनर को कैसे पहचानना है। पॉइंट नंबर 9, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा है, यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, ना ही स्टॉक्स की कमी है। बहुत ज्यादा स्टॉक्स हमारे NSE BSE में लिस्टेड है, यहाँ पे करोड़ों में पैसा है, लाखों में ट्रेड्स अवेलेबल है। तो फिर भी वो आपको बताते हैं कि मेरा साइड बिजनेस है कोर्स सेल करना, या फिर मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो कोई जरूरत नहीं, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप उसे फ्री में देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप फेमस होने के लिए कर रहे हैं तो फ्री में इन्फॉर्मेशन दे दो, आप फेमस हो जाएंगे, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन आप कोर्स सेल करते हैं तो फिर आपको जरूरत क्या है? अगर आप स्टॉक मार्केट में जीत रहे हो तो जरूरत क्या है आपको कोर्स सेल करने की? या फिर कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हैं, मेरे और बिजनेसेस भी है, ऐसा भी है वैसा भी है, जो ट्रेडिंग जीतता है ना उसको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये मानता हूँ कि ये लोग आज नहीं तो कल 2 साल 5 साल में अमीर हो ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो जीतते हैं तो बहुत सारा पैसा वो निकाल सकते हैं। तो इस ट्रैप में आप मत फंसिए, जो विनर्स होते हैं वो काफी अच्छा पैसा निकाल लेते हैं और कुछ दिनों बाद वो अमीर भी बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनकी एज बहुत ही कम है, 17, 18, 15, 16, 20, 22, तो इस 22, 23 के अंदर आपकी एज है, तो ये पॉइंट समझना बिल्कुल जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आप इतने साल दोगे तो आप सक्सेस हो ही जाओगे, या फिर 5 साल होगे। कोई भी कोर्स सेलर भी आपसे ये गारंटी आपको नहीं देगा, कोई भी नहीं लेने वाला कि आपको मैं जीता ही दूंगा, ये परसेंटेज 2 या 3% पे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर डॉक्टर बनना है, आपको MBBS कर लिया तो आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, आप दवाखाना डाल सकते हैं, या फिर इंजीनियर बनना है तो जॉब लग जाएंगी, ये बिल्कुल फिक्स रूट है। जैसा अगर आपने स्टडी की, MBBS पास किया, तो आपको आप डॉक्टर बन जाएंगे और आप पैसे कमाने लग जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए और फिर भी आपका अकाउंट गेन नहीं हो रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन आपको रिस्क पे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आपका टाइम। तो अगर आप रेडी है 3 से 5 साल देने में, और उसके बाद भी अगर आपके हाथ में कुछ ना लगे तो उसे गले लगाने में, अगर आप एक्सेप्टेड उसे करने में रेडी है तो ही इस फील्ड में आइए, क्योंकि ये देखने में, दिखाने में, बोलने में, बताने में बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, उतना ही ये मुश्किल है। क्योंकि जब आप रियल में उसमें कूदोगे, और 6 महीने आपको तो बेसिक में ही चले जाएंगे, 6 महीने बाद आपको समझेगा कि 5 दिन आपको चार्ट देखना पड़ता है, तो 5 दिन आपको कंटिन्यू चार्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको स्टडी करना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, और सैटरडे संडे को भी आपको चार्ट ही देखना पड़ेगा कि क्या मेरी गलती हुई, क्या मुझे अपडेट करना चाहिए। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि एक ट्रेड ली और मैं जीता और मैं चला अभी बाहर घूमने को मेरी कार लेके, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, बल्कि उससे ज्यादा, जिसमें एक MBBS या फिर एक IPS IAS की तैयारी आप करते हैं ना, उससे भी ज्यादा ये डिफिकल्ट है। क्योंकि वहां पे कम से कम एक रिटर्न पाथ तो है कि आप ऐसा करके ये हो ही जाओगे अगर इसमें क्वालिफाई होगे, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी होंगे तो भी यहाँ पे आपको हार मिल सकती है, और इसका एग्जाम के स्टडीज में अगर आप होशियार हो तो आप यहाँ पे सक्सेस होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट गेम है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप हारने और जीतने दोनों के लिए तैयार हो 3 से 5 साल देने के बाद, तो ही आगे बढ़ो, वरना आप ये वीडियो यहीं से कट कर दो, कोई फायदा नहीं आपका आगे बढ़ के। पॉइंट नंबर 11, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जॉब करता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ। जॉब करता है तो फिर ट्रेडिंग क्यों कर रहा है, और फिर ट्रेडिंग कर रहा है तो फिर जॉब क्यों कर रहा है? तो ये दोनों चीजें जो है, या फिर कोई भी आप दूसरी चीज इसके साथ नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही हाई IQ वाला काम है, और इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, तो आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते। तो आपको अगर इस पे काम करना है और सक्सेस की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो आपको पूरा फोकस यही पे करना पड़ेगा कुछ सालों के लिए। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए कुछ सालों के लिए, तभी बात बनेगी, वरना ना तो आप जॉब के रहोगे ना तो ट्रेडिंग के। पॉइंट नंबर 11, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इस फील्ड में है कि हमें ट्रेडिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट, अगर हम ट्रेड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसा थोड़ा ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन ये कोई ऐसा कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पिंग करते हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो थोड़ी बहुत, तो आपको ज्यादा कैपिटल की कोई जरूरत नहीं, आप 3 से 4 हजार में ही, महीने का 3 से 4 हजार में ही मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है और टेस्ट करना है कि हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है क्या। अगर काम कर रही है तो फिर हम ऑटोमेटिकली वही पैसे हमारे बढ़ जाएंगे, हमें कुछ ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि हमें लाख रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए, ये सब आलसी लोगों का काम है कि मैं 1 लाख डालूंगा और 50 हजार कमा लूंगा, ये सब ऐसे काम नहीं करता है। यहाँ पे आपकी स्लो ग्रोथ होंगी और फिर बाद में वो रैपिडली बढ़ेंगी, तो इस पे हमें फोकस करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमें पैसे भले ही कम लग रहे हो, लेकिन टाइम के बारे में मैंने आपको बताया, आपको टाइम बहुत ज्यादा देना है। एक दिन में आप 10, 12 घंटे, 14, 16 घंटे तक भी दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मार्केट जब ओपन है तब भी हमें चार्ट नहीं देखना है, हमें उससे पहले भी स्टडी करना है कि आज मैं क्या ट्रेड करूंगा, फिर उसके बाद आज मेरी क्या गलती हुई, मार्केट खत्म होने के बाद किस मार्केट ने कैसी मूवमेंट दी, ये सब आपको स्टडी करता रहना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी।
नहीं तो फिर ऐसे आप पैसे डालोगे और फिर आपकी ट्रेड जीते या फिर हारे उसी टाइम में, उसी 3-4 घंटे में अगर आपने किया, तो फिर आपकी ट्रेडिंग कभी काम नहीं करने वाली। पॉइंट नंबर 13, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कोर्स वाला आपको ये नहीं बताएगा। तो पॉइंट नंबर 13 ये है कि अगर आप फुल टाइम दे रहे हो तो 6 महीने बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप रियल अकाउंट पे डायरेक्टली शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि रियल अकाउंट पे रियल इमोशंस होते हैं और रियल ट्रेडिंग होती है, तो आपके इमोशंस उस तरीके से काम करते हैं और ट्रेडिंग में इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप 6 महीने के बाद बहुत ही कम डेमो अकाउंट पे जाइए, या फिर कुछ टेस्ट करना है तो ही डेमो अकाउंट पे जाइए। जो भी आप ट्रेड कर रहे हो वो मेन अकाउंट पे कीजिए, भले आप कम ट्रेड लीजिए, 3-4 हजार में आप ट्रेड लीजिए, 100-200 का, 50 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो ऐसे आप रियल अकाउंट पे शिफ्ट हो जाइए 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद ही होना है, पहले नहीं होना है, क्योंकि 6 महीने आपको बेसिक सीखने में लग जाएंगे। क्योंकि 6 महीने में पहले आप अगर रियल अकाउंट पे चले गए तो आपके तुरंत तुरंत पैसे उड़ जाएंगे सभी, 3-4 हजार एक दिन में भी उड़ सकते हैं। 6 महीने बाद आपके पैसे इतने ज्यादा नहीं उड़ेंगे अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं, तो वो पैसे जाएंगे, लेकिन मतलब 6 महीने बाद भी आप उन पैसों को हारोगे, लेकिन धीरे धीरे हारोगे, महीना भर आपको 3-4 हजार रुपए हारने में लगेंगे। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसमें आपको कोई बचा नहीं सकता है, इससे कोई आपको डायरेक्टली निकाल नहीं सकता, ये आपको करना ही पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे थोड़े बहुत और हारने पड़ेंगे। 3-4 हजार रुपए बहुत ही नॉर्मल अमाउंट है अगर आप एक ट्रेडिंग पे करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप किसी दूसरे फील्ड में जाते हैं, MBBS वगैरह करने जाते हैं, तो 50 लाख 1 करोड़ तक लग जाते हैं, ऐसे बाकी फील्ड में भी आपको पैसा लगता है। तो यहाँ पे भी एक आपको फी देना है, बस वहां पे आपको गारंटी होती है कि कुछ हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं होती, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो हो सकता है आपके 50 हजार है, 1 लाख रुपए जाए 3 से 5 सालों में, और उसके बाद आप या तो अमीर बन जाओ या फिर 1 लाख रुपए ही तो गए, क्या गया इतना बड़ा। लेकिन रियल अकाउंट में काम करने से ये फायदा होगा कि जो सीखने में डेमो अकाउंट पे 6 साल लगेंगे, आप 6 महीने में तुरंत सीख जाओगे, क्योंकि जब पैसे जाते हैं ना तो इंसान उसकी खोजबीन अच्छे से करता है कि क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 6 महीने बाद आप रियल अकाउंट पे शिफ्ट हो जाए, पैसे ज्यादा नहीं डालना है, लेकिन रियल अकाउंट पे ही हमें ट्रेड करना है। तो इस पॉइंट के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। पॉइंट नंबर 14, यहाँ पर आपको 5 साल ज्यादा से ज्यादा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से देना है, 5 साल ज्यादा से ज्यादा और 3 साल कम से कम। तो इस टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपने जो स्किल एक्वायर किया है, जो आप सीखे है, उससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। तो 5 साल बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 साल बाद इसको छोड़ना मुश्किल होगा। आप कहेंगे 5 साल में नहीं किया, अब मैं क्या करूं, ऐसे आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स आप पे हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है, आपको वो जो 3 साल 5 साल आपने गवाए उसका त्याग करना पड़ेगा, या फिर वो ही साइड में आपको माइनस ये काम चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत एडिक्टिव सिस्टम है। इसपे बहुत ज्यादा इंसान एडिक्ट हो जाता है कि आज जीतूंगा, कल से जीतूंगा, अगले 15 दिन से जीतूंगा, अगले महीने से जीतूंगा, तो ये सब आपको ट्रैप में फंसाए रखता है। तो इससे आप बचिए, कुछ टाइम लिमिट सेट कर दीजिए, उसमें हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो कम से कम 3 साल का जो टाइम है ना, इसको बचाने के लिए कोई भी तरीका आज तक नहीं बना है, कि कोई ऐसा तरीका है जिससे आप 1 महीने में 3 साल का काम कर जाओ, ऐसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस गेन करने में आपको टाइम लगेगा, आप रोज उठोगे, ट्रेड करोगे, भी सीखोगे, फिर रोज वही काम करोगे, रोज उठोगे, ट्रेड करोगे, सीखोगे, फिर वीडियो देखोगे, जर्नल मेंटेन करोगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है थोड़ा। तो ये आपको ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब तो आप सीखोगे, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो आपके 3 साल या 5 साल बचा सके। पॉइंट नंबर 15, इट्स नॉट अ लक गेम। यहाँ पे लक आपका काम नहीं करेगा कि इसके लक अच्छे थे तो वो शेयर मार्केट में जीत गया, या फिर मेरे लक अच्छे होंगे तो मैं जीत जाऊंगा, ये ऐसा नहीं काम करता है। ये स्किल पे काम करता है, आपके स्किल कैसे है उससे काम करेगा, आपके इंटेलिजेंस कैसे है उस पे काम करेगा। अगर शुरुआत में अगर आप जीत भी गए, कुछ अमाउंट जीत भी गए जाते हो लक से, तो बाद में मार्केट वो आपसे तुरंत वापस ले लेगा और उससे ज्यादा भी लेगा। तो लक के भरोसे मत कीजिए, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करके कीजिए कि आपने ही वो ट्रेड ली और किस वजह से ली और किस वजह से आप जीते। फिर बाद में अगर आप वैसे ही ट्रेड लेते हैं तो क्या जीतेंगे, ये सब आपको सोचना होता है। तो ये लक का गेम बिल्कुल नहीं है, कई लोग इसको लक का गेम मानते हैं, तो ये लक का गेम बिल्कुल नहीं। पॉइंट नंबर 16, टेक्स टाइम टू लर्न। ये टाइम लेगा सीखने में, इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी गूगल पर अवेलेबल है, पूरी की पूरी यूट्यूब पर अवेलेबल है, या फिर आपने कोर्स लिए है, जो भी है सभी इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है आपके पास, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन तब काम आती है जब आप उसको अप्लाई करते हो, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये धीरे धीरे इकट्ठा होती है, क्योंकि इसमें स्कैम भी बहुत बढ़ चुका है। कोई प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं दे देगा आपको कि ऐसे 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 करना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर प्योर इन्फॉर्मेशन भी आपको देना हो तो कुछ दिनों का कोर्स बनेगा, तो ये सब आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और ये सीख के आप जब उसे अप्लाई करते जाओगे, जो कि अप्लाई करना बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, सीख तो जाता है इंसान, पता तो है कि इधर ऐसे स्टॉप लॉस लगाना है, ऐसे टारगेट लेना है, ये बोलना आसान है, ये देखना सीखना वो अलग बात है, लेकिन इसको अप्लाई करना अपने ट्रेडिंग पे ये थोड़ा हार्ड है। तो इसके लिए उसको टाइम लगता है ये सब चीजें अप्लाई करने में। तो आप शांति से उसको देखो, सीखो और फिर ट्राई करो, फिर रिपीट करो, जब तक नहीं जीतते आपको यही करना है, सीखो, देखो, ट्रेड करो, जर्नल में लिखो, तो ये सब चीजें तब तक आपको करती रहनी है।
पॉइंट नंबर 17, शुरुआत में इस पॉइंट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये करना है। आपको ये बेवकूफी लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं हार तो रहा हूं, अभी क्या सीख तो रहा हूं, अभी क्या जर्नल मेंटेन करूं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। ये जो आपको जर्नल मेंटेन करना है, जर्नल मेंटेन करने से आपको आगे फायदा होगा। तो आप एक जर्नल मेंटेन कीजिए, एक बुक नोटबुक ले लीजिए और उस पर लिखिए अपने ट्रेड क्यों ली, किस स्ट्रेटेजी की वजह से ली, कितने बजे ली, कितने रुपए का स्टॉप लॉस था, कौन सा स्टॉक था, कितना टारगेट था ट्रेड लेने की, और कौन सी वजह थी। तो ये सब डिटेल में आप लिखिए वन बाय वन करके हर एक ट्रेड का। तो ये तभी आपके कुछ भी काम का नहीं आएगा, या आपको देख के बुरा लगेगा कि आप सब ट्रेड हारे हो और 50 ट्रेड हार गए हो, लगातार 15-20 ट्रेड भी हार जाता है इस साल शुरुआत में, तो ये सब आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप ये लिखते रहो अच्छे से, और अच्छे से लिखो, और ये आपके काम आएगा 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब आप लेवल अप कर जाओगे, तब आपके लॉसेस कम होंगे, इतने 10 ट्रेड्स आप कंटिन्यू नहीं हारोगे, तो तब ये आपको काम आएगा कि उस टाइम पे मैंने ये किया था तो उसका रिजल्ट ये आया था। तो तब ये जो स्ट्रेटजीज जो आपने प्रैक्टिस की हुई होती है, तब ये काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान रखिए, और जर्नल आप मेंटेन कीजिए। आप इसको एक्सेल में भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो, या फिर आप नोटपैड में भी कर सकते हैं। तो इसको मेंटेन जरूर रखिए, लेकिन कि आपने किस दिन क्या किया था। पॉइंट नंबर 18, इसका आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मैंने अभी स्टॉक मार्केट से खरीदी है, ये मेरा घर देखो, ये मेरा स्विमिंग पूल, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं दुबई में हूँ। तो इन एड से आपको बचना है, ये सिर्फ स्कैम है। इनको दिखाना है तो डायरेक्टली अकाउंट दिखाने में इनको क्या प्रॉब्लम है, ये गाड़ी और बंगला क्यों दिखा रहे हैं, डायरेक्टली अकाउंट दिखाओ। तो ये सब स्कैम है, इसमें आपको नहीं फंसना है और इन एड्स के चक्कर में आपको नहीं आना है। और मैंने लोगों को लॉस से बचाने के लिए वो मार्जिन तो कम कर लिया, लेकिन ये लोगों को कौन रोकेगा, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ एक्शन होनी चाहिए, इन लोगों पर कंट्रोल आना चाहिए, कि एक रेगुलेशन बनाया जाए कि ये सच में ये जीत रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, तो तभी ये ऐसी ऐड कर सके। लेकिन खैर, ये अपना पॉइंट नहीं है, अपना पॉइंट ये है कि आपको बचे रहना है फिलहाल, जब तक हम इस लायक नहीं हो जाते कि हम इनको कुछ बोल सके या फिर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेने का बोल सके। खैर जो भी है, मैं आपको इसमें फंसने नहीं दूंगा, और आप भी इसका ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा दिखावे का ऐड आता है तो उसको स्किप कीजिए और राम राम कहिए, जाने दीजिए उसको, और अपने काम पर फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19, फिक्स योर ट्रेडिंग टाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग के काफी टाइप्स है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो ये चारों में से आपको एक कंफर्म करना है कि इस टाइप का मैं ट्रेडर हूँ। ये कब होगा, जब आप 6 महीने शुरुआत के यहाँ पे निकाल दूंगे, तब तो आपको रियलाइज होगा कि मैं इंट्राडे में थोड़ा अच्छा कर पाता हूँ, या फिर मैं स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकता हूँ, या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से कर सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि सभी इंट्राडे कर रहे हैं तो मैं भी इंट्राडे ही करूँ, हो सकता है आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करने में अच्छे हो। तो ये सब आपको ढूंढना है उन 6 महीनों में, और फिर उसको कंफर्म करना है कि मैं इस टाइप का ट्रेडर हूँ, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर। तो ये आपको फिक्स करना है पहले 6 महीने में। पॉइंट नंबर 20, इट्स नॉट ईजी। तो गलती से भी इसे आसान समझने की कोशिश मत करना, ये आसान नहीं, बिल्कुल कठिन जॉब है, बहुत ही हार्ड जॉब है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको IQ की जरूरत पड़ेगी, मेंटल स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसको आसान मत समझना, ये मुश्किल काम है, लेकिन आप इसे कर सकते हो, एक स्किल का काम है और स्किल सीखा जा सकता है। तो लगे रहिए, अगर आप में दम है तो आपके स्किल को इम्प्रूव कीजिए, आपके इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कीजिए, और देखिए, अगर क्या पता आप सक्सेस हो जाओ 3 सालों में या फिर 5 सालों में। इसमें सक्सेस होना मतलब तो आप जानते हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, और जब आप किसी भी जगह पे जा सकते हो, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसे आप कमा सकते हो, तो आपको सभी चीजों का इसमें फ्रीडम मिल जाएगा और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। क्योंकि एक बार कोई भी ट्रेडर अगर जीतने लग जाता है तो बाद में दोबारा उसके हारने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, वो हमेशा जीतता ही रहता है। यहाँ पर जीतने के बाद आपको कोई भी काम करने की, कोर्स बेचने की, कोई भी काम करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से बहुत सारा पैसा आप कमा लेंगे और आराम से बैठे बैठे कमा पाएंगे, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से। यहाँ पर जीतने के बाद आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स बेचने की जरूरत नहीं, कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें बहुत ही कम टाइम देकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से कमा सकते हैं। तो इसमें आपको फुल फ्रीडम मिलता है, सैटरडे संडे को छुट्टी होती है और आप जब चाहे तब भी छुट्टी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसमें हो सकती है, अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो। अगर फेल हो जाते हो तो कोई दूसरा रास्ता अपना लो, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 21, एक बोनस पॉइंट है, इसमें बात आती है कंपटीशन की। तो ये बिजनेस की, इस बिजनेस की ब्यूटी है कि इसमें आपका कंपटीशन होता ही नहीं है, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है इसमें। तो ये एक पॉजिटिव साइड है इसकी, कि आपका कंपटीशन किसी से नहीं होता है। और बात रही 98% लोगों की हारने की, तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 से 50% लोग तो वो होते हैं जो 1 महीने में या 6 महीने में ही भाग जाएंगे, नहीं हुआ, नहीं किया तो नहीं कर सकता, और ठीक से स्टडी नहीं करेंगे तो वो 40-50% आपके कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट काम करते हो तो, और फिर भी आपका जो कॉम्पिटिशन है, आपका जो कॉम्पिटिशन ही है, आपके पास 50% लोग और है जिनमें से आपको 2% बनना है, तो
इस पर आप ध्यान दीजिए, ज्यादा भी डरने की जरूरत नहीं है इन 98% हारने वाले लोगों से। तो आप बिल्कुल 2% में से एक बन सकते हो। तो अगर आप 3-4 साल तक लगे रहते हो इस पे, तो हो सकता है आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लगे रहे 3-4 साल तक तो आप जीतोगे ही, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी आपकी जीतने की। ये डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सीखते हैं, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपका इंटेलिजेंस कैसा है, तो इस पे ये डिपेंड करता है सारी चीजें। तो अगर आपको लगता है कि अमीर बनना आसान है, तो इस कोर्स को अभी से छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं इसे देखने का, जॉब ढूंढिए। क्योंकि मैंने जो 21 पॉइंट बताए हैं आपको, उसको अगर आपने एक दो को भी मिस किया, तो आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएंगी। ये जो 21 पॉइंट है, ये सभी टाइप की ट्रेडिंग्स के लिए, फिर चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, सबके लिए ये पॉइंट फॉलो करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी आपके साथ मेरी एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। वो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने उसे बनाया है, वो मेरे लिए काम करती है। जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सेम तरीके से काम करे, तो विवेक से काम ले। चलिए मैं चार्ट पर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक ब्रोकर का अकाउंट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे सारे जो चार्ट है मैंने निकाल लिए है, अभी कुछ आपको दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको थोड़ा फंडामेंटल स्टडीज़ अगर आप करते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में, कि आगे इससे फ्यूचर में क्या होगा, तो इस बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी रखिए, ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट में भी ट्रेडिंग कर देता हूँ। वो कैसे करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कोई स्टॉक खरीदता हूँ, फिर उसके बाद उसको सिर्फ 21% पे बेच देता हूँ। मतलब कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है, तो जैसे ही उसकी वैल्यू 121 रुपये होंगी, तो मैं 21 रुपये प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और वो कैसे करता हूँ मैं, कब बाय करना है, कब सेल करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने अभी है BPCL का स्टॉक। वैसे मैं ये जो गवर्नमेंट कंपनीज़ के जो स्टॉक्स है, वो जो 300 के नीचे है, उन्हें रिकमेंड नहीं करता ज़्यादातर, क्योंकि जो नए लोग हैं इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको, क्योंकि ये टाइम बहुत लेते हैं मूवमेंट देने में। तो लेकिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ डायरेक्टली मना नहीं कर रहा हूँ आपको। तो मैं आपको उसी एक स्टॉक पे अभी बताता हूँ, जैसे कि ये BPCL का स्टॉक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 मंथ की कैंडल है, तो 1 मंथ के कैंडल में सबसे हाई, मतलब कि अब तक का सबसे हाई कब गया था ये स्टॉक, और उसकी प्राइस क्या थी। जैसे कि लगभग आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 551 पे गया था सबसे हाई। तो क्या करना है, ये जो 551 है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये हमने हाई मार्क कर लिया यहाँ पे, ये 551, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। जैसे कि ये 552 कर लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 276। तो हम 276 पे एक लाइन और बनाएंगे। तो कहाँ पे गया 276, ये आ गया 276, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये मतलब कि लगभग 50% ड्रॉप हो गया, तो 50%, या फिर अगर स्टॉक अच्छा स्ट्रांग है और आप उसके बारे में जानते हो, तो 40% तक भी नीचे अगर है, मतलब कि मान लेते अभी ये 300 350 तक भी है, तो ओके, तो लगभग 50% तक जाने ही दीजिए। लेकिन और मतलब वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप न्यू है। तो ऐसा बार बार नहीं होता है, कभी कभार ही होता है, ऐसा बार बार तो होगा नहीं कि स्टॉक 40% 50% नीचे आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जब भी ये स्टॉक आएगा उस लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे इसके आसपास। तो बाय हम कैसे करेंगे, अभी देखो ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, तो हम ये रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। जैसे कि ये 1 मंथ की है, मैं आपको डे में बताता हूँ। तो ये देखिए, ये आ गया यहाँ पे, ये भी 5 मिनट की कैंडल है, इसको हम अगर डे करते हैं, तो ये हो गया डे की कैंडल। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये हमने जो मार्क किया था 276, ये वो लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, मतलब कि जो रेड कैंडल बनी हुई है, 1 डे में या फिर 1 वीक में आप कर सकते हैं एनालिसिस, मैं चाहूँगा कि आप 1 डे में करो, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। तो हम ये रेड कैंडल जब बन रही है, या फिर आज बन रही है, उस दिन बन रही है जिस दिन आप बाय करना चाहते हो, तो मत लीजिए। तो उसको क्या करने दीजिए, हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन देने दीजिए। जैसे कि यहाँ पे उसने एक अपवर्ड डायरेक्शन दिया, तो ये ग्रीन कैंडल बन गई, अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस कैंडल पे भी आप कहीं भी इस दिन कहीं भी बाय कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मान लो हमने 275 से हमने स्टॉक बाय कर लिए, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आप इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग में, तो आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो मान लेते हैं आपने अगर यहाँ पे
शुरुआत में तो आपको मैं बताता हूँ कि 3-4 हज़ार से ही आपको करना है, उतने में जितने स्टॉक आएंगे उतने ही खरीदने। जैसे कि समझ लो आप ये 4 हज़ार का आपका बजट है, 4 हज़ार आपके अकाउंट में है, तो डिवाइडेड बाय कितने रुपए के स्टॉक हो रही है, 275 का एक स्टॉक है, तो 275 के हम लेते हैं तो हमारे पास 14 स्टॉक आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है। मैं आपको 1 लाख पे करके बताता हूँ। ये देखिए, डिवाइडेड बाय 276, तो इसमें आ जाएंगे आपके 362 शेयर्स। तो इतने शेयर्स आप अगर खरीद लेते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, बस यहाँ पे हमें कहीं पे खरीद लेना है जब जब भी वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाने लगे। ठीक है, और कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस किया है पिछले 21-20 पॉइंट में से, तो यहाँ पे आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई गलती आप कर ही दोगे। तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे, ये मेरे लिए काम करती है, आप आपकी खुद की ढूंढ सकते हैं, या फिर ये भी चल जाए आपके लिए, तो मुझे कमेंट में वैसे बताना आपने कि ये काम की है क्या आपके लिए कि नहीं। तो और ये उन्हीं के लिए जिनके जिनके अकाउंट में पैसे, मतलब जो ट्रेडिंग कर अभी नया नया शुरू कर रहे हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा होंगे या फिर जो ट्रेडर इन्वेस्टमेंट में यकीन करते हैं, तो उनके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने बाय कर लिया, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशन बना दी, बाय करना मतलब लॉन्ग पोजीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया, अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है कुछ है ही नहीं, सच कहो तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं लगाता हूँ और मेरी स्ट्रैटेजी में है ही नहीं, तो ये स्टॉप लॉस हो गया 0, यानी कि अगर मैं हारता हूँ तो पूरे पैसे चले जाएंगे, जो कि उसके लिए इस स्टॉक को 0 होना पड़ेगा। अगर वो स्टॉक निफ्टी 50 का है, वो डेली लोग उस पर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि फाइनेंशियली अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 में मतलब अच्छा स्टॉक है, तो इसके चांसेस बहुत ही कम है कि ये 0 हो जाएगा, और ये जिस दिन 0 होगा मेरे पूरे पैसे चले जाएंगे। ठीक है, ये रिस्क मैं लेके चलता हूँ, और ये आपको भी लेनी पड़ेगी अगर आप इसी स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा देंगे तो मार्केट ऐसा आएगा ऐसे जाएगा, तो ये सब चीज़ें होती है। तो अगर स्टॉप लॉस भी लगाएंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या करना है मुझे पता नहीं है, मैं जैसे काम करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खरीद लिया इस स्टॉक को, अब देखो ये जो मूवमेंट हो रही है, देखो ये यहाँ तक गया, आपको बहुत मज़ा आया होगा, मज़ा आएगा अगर आप नए ट्रेडर रहे तो मज़ा आएगा, एक साल भी हुआ है तो आपको मज़ा आएगा कि यार मैं जीत रहा हूँ, वो देखो कितना, और यहाँ पे देखो आपको बुरा लगेगा तुरंत, तो ये रेड हो रहा है, अरे यार नीचे आ गया नीचे आ गया, जहाँ पे ट्रेड लिया था वहाँ पे आ गया और उससे भी नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर प्लेस करनी है, GTT ऑर्डर। GTT मतलब क्या, जो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक साल के अंदर जब भी आपका टारगेट हिट होगा तब उसे कट कर देंगे उस ट्रेड को, तो मैं ऐसे GTT ऑर्डर लगाता हूँ। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ये मैंने बाय कर लिया समझ लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे चाहिए होते हैं 20%, तो मैं 21%, ठीक है 21% के लिए मैं लगा देता हूँ, ये हो गया 21%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक लाइन बना देता हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए इसके लिए, तो ये हुआ 21%, ये हमारा रहेगा टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया, और बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस तो है नहीं, मेरा तो होता ही नहीं है, मैं यहाँ पे बाय करने के बाद ये जो ऑर्डर डालता हूँ या फिर इस ऑर्डर को मैं GTT में कन्वर्ट कर देता हूँ। GTT मतलब क्या, अब ये जो प्राइस है ये हमारा टारगेट है, तो क्या प्राइस आ रही है, 334.75, तो ये मैंने डाल दी कि उसके बाद मैं इसको ट्रेड को डायरेक्ट देखता ही नहीं हूँ। कैसे देखता हूँ, फिर मैं इसको हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, कि टारगेट हिट हुआ है क्या, क्योंकि टारगेट हिट होने के बाद फिर से मुझे दूसरा स्टॉक ढूंढना पड़ता है और फिर मैं वो बाय करता हूँ और फिर उसको 21% का टारगेट लगाता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, अब हमने थोड़ा पीछे देखा था, देखो यहाँ पे फिर से स्टॉक नीचे आया हुआ है, ये आ गया, ये हमारा टारगेट तो मिल गया हमें यहाँ पे। यहाँ पे हमें लालच नहीं करना है कि देखो ये 40% तक गया है, यहाँ पे देखो कितना गया है, अगर यहाँ पे हमने खरीदा है तो देखो ये कितना गया है, बहुत ज़्यादा गया है, मतलब इसको और नीचे लाना पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए, ये देखो ये बाय और ये देखो लगभग 60% तक गया है। तो इसके पीछे नहीं पड़ना है,
हमें जो टारगेट लेना है वो 21% बहुत होता है, क्योंकि हम बैंक में अगर 1 लाख रुपए रखेंगे आप तो 5-6 हज़ार रुपये ही मिलेंगे साल के आपको, और ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बहुत ही कम 3-4 महीने में ये गया है, डे की कैंडल है तो ठीक है। फिर से आया, फिर से हमने यहीं पे कहीं ख़रीद लिया, ठीक है, ये आ गया फिर से टारगेट, उसी लाइन पे आया तो ये टारगेट आ गया, तो कितना पैसे कमाए हमने, 40% तो इस इतने टाइम में कमा लिया, लगे सितंबर 18 से लेकर के मई 20 तक, ठीक है, मार्च 20 तक। तो इस तरीके से काम करना है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे ख़रीद लिया या फिर यहाँ पे भी ख़रीद लिया, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो, नहीं तो फिर यहाँ पे आने दीजिए उसको अच्छे से 50% तक, 50-40% तक नीचे आने दीजिए, फिर खरीदिए और फिर उसको सेल कीजिए। देखिए अभी मैं और एक कोई एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें 1 मंथ की कैंडल करनी है और देखेंगे हम, देखिए इसका हाई क्या है, 154 डिवाइडेड बाय 2, 154 डिवाइडेड बाय 2, 77, तो ये 77 आ गए। देखिए ये अभी उसी टाइम पे है, मतलब कि हम थोड़ा लेट दिखाई दिया हमको, तो हमें हफ्ते में या फिर 2-4-5 दिन में मार्केट चेक करते रहना, सिर्फ एक नज़र भी मारी आपने पूरे निफ्टी निफ्टी के स्टॉक पे तो चलता है कोई, उसमें आप जितने पैसे कमाएंगे उस हिसाब से तो बहुत ही कम टाइम है वो, मतलब मान लो आप रोज़ के 20 मिनट भी देते हो, रोज़ के तो देना ही नहीं है आपको, हफ्ते में 1 घंटा, 2 दिन के पीछे आधा 1 घंटा देना है आपको, तो उससे आपकी बहुत ही बढ़िया इनकम हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रिस्क भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि आप जीतते रहोगे, आपका जो स्टॉक है वो एक हाथ बार तो जीरो हो ही जाएगा, लेकिन वो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो ये देखिए समझ लीजिए, ये 77 ये हमने यहाँ पे बाय कर लिया, या फिर इस कैंडल पे भी हमने बाय कर लिया होता तो अब ये जाएगा इधर 20% उसको जाना है, देखिए सिर्फ यहाँ तक जाना है उसको और हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, मतलब हमने 1 लाख रुपये अगर यहाँ पे लगाए तो हो जाएंगे 1,21,000 रुपये, ओके। और समझ लीजिए यहाँ पे हमने लिया होता या फिर यहाँ पे हमने लिया होता तो भी हमारा टारगेट हिट है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो है ही नहीं, ओके। यहाँ पे तो हम ले नहीं सकते, रेड कैंडल है, तो यहाँ पे अगर लिया होता हमने यहाँ पे, तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रैटेजी मेरी पसंद आई होगी। और मैं फिर से एक बार आपको कहता हूँ कि ये जो दिखने में जितना आसान है उतना करते वक्त आपकी इमोशंस और वो सब जो चीज़ें हैं आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, और इसके बारे में अगर मैं आपको 2 महीने तक भी लगातार बोलता रहूँ तो कोई नॉलेज कम नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि मैं 3-4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। तो बस ऐसा ही है, ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे समझा दी। दूसरी बात और एक कहना थी कि निगेटिव माइंडसेट वाले स्टॉक नहीं खरीदने आपने, जैसे कि येस बैंक के साथ हुआ था पीछे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, लोगों ने उसमें गड़बड़ी कर दी थी, तो अब अगर उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो जो मतलब हम इंडियंस कैसा है ना, हम भरोसा करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं डायरेक्ट सामने वाले पर, लेकिन जब टूट जाता है तो कभी उस पर भरोसा नहीं करते, तो वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सही बिहेवियर है, वही रखना है आपको। तो अगर आपको किसी स्टॉक में गड़बड़ी दिखाई दी तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हम डायरेक्टली जीरो से लेकर चल रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस है ही नहीं स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप ये स्टॉक खरीद लो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से सोचो और आपके हिसाब से डिसीजन लो और अच्छे से पैसे कमाओ। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है कोर्स आपको तो उसको सिर्फ शेयर करना है आपको, मेरी फीस सिर्फ इतनी है, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, ओके। तो ये देखिए ये हीरो मोटर्स और एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए ये टाटा मोटर्स बहुत ही पॉपुलर सबके लिए, ये स्टॉक सभी आते हैं इस पर, जो भी ट्रेडर नया आता है सबसे पहले टाटा मोटर्स पे आता है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक जो है थोड़ा इस स्ट्रेटजी के लिए बहुत बेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो इंट्राडे वगैरह करते हैं ना तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसका हाई 604 तक आया गया है, अब उसको आने देंगे 300 तक, आया क्या 300 तक, देखो ये यहाँ पे 300 तक आया है, ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे कहीं भी किया, यहाँ भी किया तो चलता ना, ये भी यहाँ भी किया तो ये गया, कितना गया है ये देखो 46%, हमें सिर्फ इतना चाहिए, ओके। तो ये है, यहाँ पे भी है, ये टारगेट हुआ है अचीव, ओके। कभी कभी क्या होगा, किसी किसी स्टॉक में जो आप नीचे बाय करोगे, जैसे कि यहाँ पे कहीं हुआ होगा, लोड नहीं कर रहा है अभी, यहाँ पे अगर हुआ होगा तो देखिए बहुत टाइम तक, हो सकता है 1 साल तक 2 साल तक वो नीचे रह जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, मेरे कुछ स्टॉक हुए हैं ऐसे भी और वो है अभी भी, लेकिन मैं कट तब भी करूँगा जब वो जीरो होंगे, ठीक है।
लेकिन बाहर में दूसरी जगह पे देखो ना, ये पैसे में अर्न कर लेता हूँ यहाँ से, तो उसमें जाएंगे तो कितने जाएंगे, 1 लाख जाएंगे, लेकिन इधर से मैं 2 लाख 3 लाख निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से होता है, कभी कभी टाइम भी लगता है, 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है टारगेट को आने में, क्योंकि स्टॉक 50% 40% और नीचे चला गया, 30% और नीचे चला गया, फिर आया, फिर 21% पे गया और टारगेट हिट किया, तो ये सब होता रहता है। और कोई जानकारी चाहिए आपको इस बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं इसी कोर्स के नीचे, इसी वीडियो के नीचे, और शायद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये मेरा वीडियो आखिरी रहेगा अभी, क्योंकि ये बहुत ही एडिक्टिव फील्ड है ये, फिर आपको और इस दिशा में ढकेलने की कोशिश ऐसा लगेगा अगर मैं और वीडियो बनाता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सिर्फ आपको शेयर करना है अगर पसंद आया तो। थैंक यू।